हौसबिल्ला में शैतान रजीम इसमें माफ़ी तमाम दोस्तों को मैं बताता चलूँ कि ई सहूलत से जो बिल जमा होते हैं कोर्ट बार के ज़रिए उसका तरीका क्या है, मैं आप आपको बताता हूँ। एक मिनट में आप पाँच मिनट में आप 100 बिल भी जमा कर सकते हैं। करना क्या है, आपने यूटिलिटी बिल पेमेंट के ऊपर जाना है, सिंगल बिल आपने करना है या बल्क बिल पेमेंट करनी है, आपने बुल्क करनी है, इसको प्रोसीजर में प्रोसेसिंग में ले जाना है। फिर इलेक्ट्रिकल को आपने ओके करना है, क्योंकि आपका अगर बिल मतलब बिजली का है तो इलेक्ट्रिकल, दूसरा है तो गैस, टेलीफोन का है टेलीफोन का, वाटर का है तो वाटर को। यहाँ से आप जिस इलाके में रह रहे हैं, हम इस्लामाबाद में रह रहे हैं, तो हम इसको करेंगे। अब यहाँ पर है कि बिल स्कैनिंग, मैं अब इसको आपके सामने स्कैनिंग करता हूँ। आपने इसका कैमरा जो है ना ज़रा साफ़ कर लेना, आप देखें कोड बार के नीचे में जाऊँगा, अब खुद ब खुद इसमें एंटर हो गया, ये 709 है, लास्ट आपने देखने जाना है। अब दूसरा बिल मैं करने लगा हूँ, इसको ओके अभी आपने नहीं करना, जिन तक सारे कम से कम 20 बिल जो है ना आप रेगुलर कर सकते हैं। अब दूसरा हो गया 703। वैसे तो मैं बहुत स्पीड से करता हूँ, लेकिन सिर्फ आपको तरीका सिखाने के लिए मैं थोड़े से कर रहा हूँ। ये 700 है, ये 602 है, इसको दोबारा मैं करता हूँ, थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया कि ये 602 था या 602 ही है। अच्छा, इसके बाद इसके साथ तो नंबर शुमार भी आता रहता है, 1 2 3 4 कौन कितने बिल आप कर चुके हैं। आपने कोड बार को थोड़ा सा जो है ना रोशनी में रखना है, ताकि स्कैनिंग आराम से हो जाए। ये 600 है, लास्ट वाले फिगर देखने आते हैं, लेकिन गलत स्कैनिंग तो नहीं आ गई। ये 511 है, ये जो कंज्यूमर नंबर होता है ना, रेफरेंस नंबर, ये उसके लास्ट वाले आखिरी तीन नंबर देखने होते हैं, कहीं को गलती अगर हो जाए तो फिर उसको दोबारा डिलीट करके फिर वापस आ जाए। ये 440 है, अभी 7 बिल मैंने किए हैं। ये 300 है, 8 बिल मैंने किए हैं। ये 544 है, 618 है। और दोस्तों जब आप बिल लेते हैं ना, तो लास्ट बार रसीद जो आप फाड़ते हैं उस पर मोर वगैरह या कोई भी जो है ना कोड बार के ऊपर नहीं लगाने, क्योंकि उसमें ये होगा कि फिर आपका स्कैनिंग नहीं होगा कोड। ये 600, ये 10 नंबर है और 618 आ रहा है, जबकि इसका है 200। बस 10 बिल जो है ना एक साथ आप कर सकते हैं। ये 618 है, 618 तक हो गए। अब दोस्तों मैं इसको करूँगा पे बिल, अब आपको मैं दिखाता हूँ। अब देखो कंज्यूमर पहले की 1046 है, दूसरी की 89 है, तीसरी की 1780 है, चौथी की 89 है, पाँचवीं की 1961 है, छठी का 866 है, फिर 1382 है, 1446 है, 933 है, 263 है। फिर इसको चेक करना है कि आपके बिलों की इतनी इतनी अमाउंट है, अगर है तो ओके करके सेंड कर दें। इस पर थोड़ा टाइम लगता है, अगर आपको जब तजर्बा हो जाएगा तो फिर आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा कि आप मतलब बार बार बिल को चेक करते रहेंगे, फिर तजर्बा हो जाता है ये प्रोसीजर में लग गए। ओके हो गए सारे, अब आपने बैक पर आना है। तो फिर दोबारा इसी जगह पर आएँ, फिर बुल्क बिल, फिर इस तरह करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिकल इसमें सेलेक्ट करेंगे एस्को, आप जहाँ के एस्को के हैं, लाहौर के हैं तो लेस्को के, यहाँ के भी हैं तो कराची के हैं तो फिर वो के इलेक्ट्रिक है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अब
ये आ गया, इसके 200 फिगर हैं आखिरी तीन। फिर नेक्स्ट है, इनवैलिड बार कोड, ये कहते हैं कि इनवैलिड है, इसको दोबारा फिर चेक करेंगे। अब ये हो गया 300, 10 बिल एक साथ आप कर सकते हैं। ये कह रहा है कि ये गलत है, इसको दोबारा आपने करना है। अब इसका 100 आ गया, इसका 601 है, इसका 200 है, इसका 052 है, इसका 241 है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, और से ठीक है? शांति। क्यों बेला जी करा है? अच्छा और सुनाओ, कदे बदना? चलो बहुत चाह पीने पीड़ित क्यों? शुद्धि की थी यार। लोड करा लोड आया वो कोनी लोड मैं आया वो कोनी 58 दोस्तों, ये बिल जो है ना 10 फिर हो गए हैं। इसमें 10 बिल होते हैं, मैंने 11 किए, 11 ऑनरी 11 को क्रॉस करना पड़ेगा, तो अब इसके 8-10 बिल होंगे, 10 बिलों को अब वो करेंगे। ये देखे साथ साथ निशान ओके ओके लग रहे हैं कि भाई ओके हो गए, अब ये बिल पे हो गए हैं, देखें निशान लगते गए हैं ओके के। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, कोई और काम हो तो मुझे ज़रूर बताना। पर दिगारा को सलामत रख।